watching Star 9 News. सिंगल आप सब सुन रहे हैं, आपने अभी उनका इंटरव्यू भी सुना, उसका म्यूज़िक किया है और मेरे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र काफिर जो हैं गाने के गीतकार हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में जैसे कि फिरंगी, कपूर एंड सन्स और भी ना जाने कितनी फिल्मों जिनमें इन्होंने अपने गीत दिए हैं, तो आप अपने घर में प्लीज़ कुछ बताएं। तो किस तरह का है इसमें अगर बात रहे इस गाने का विपिन जी के बारे में? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा गाना है और सबसे बड़ी बात है इन्होंने गाया बहुत दिल से है। ये मतलब बहुत अच्छा है, जिसमें एक फीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि एक इमोशंस है, वर्ड्स को एक जो एक्सप्रेशन मिलता है वो परफेक्टली आया है। थैंक यू। वो ये गाते भी बहुत अच्छा है और फील तो है ही इनमें, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि विपिन जी ने गाना गाया है। आज एक बात और बता दूं मीडिया के सामने कि ये हमारे दोनों जिन्होंने म्यूज़िक दिया है ये भी बहुत ही बखूबी गाते हैं, बहुत कमाल के सिंगर हैं, और ये देवेंद्र जी जिनको आप जो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं ये खुद बहुत अच्छा गाते हैं, आप इनसे ज़रूर एक लाइन सुनिए अखियाँ की। एक हो जाए लाइन। अखियाँ रोंदियाँ ने मेरा दिल रोंदा है, जद भी दूर अखियाँ तो मेरा यार हुंदा है। बस जी, क्या बात है। चलिए मैं बोल लेती हूँ। विपिन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, भाई हैं, और पिछले ऑलमोस्ट 20-22 साल से हम लोग दोस्ती में हैं और पूरी फैमिली हमारे घर के जैसे है, तो मैंने उनको डे वन से देखा है मेहनत करते हुए और बहुत हार्ड वर्किंग है और अपने बलबूते पे बहुत ही अच्छे मुकाम पे आज पहुँचे और आगे उनको जाना है और वो जाएंगे। और इस जहाँ तक आज की बात है, मैं बहुत खुश हूँ, इतना सुरीला गाना है और वो तो गाते सुर हैं, सुर में हैं, बहुत सुर में गाते हैं, मुझे उनका पर्सनली उनको भी पता है कि मैं उनकी फ़ैन हूँ। सो मैं आज इसीलिए यहाँ हूँ कि उनको मैं दिल से ये बधाई देना चाहती हूँ कि इस गाने को बहुत बहुत सक्सेस और मिले और ऐसे ही वो सुरीले गाने लाते रहें। So I think that is the case with Vipin also. He's not changed at all, yaar. And I saw the video 3 days back. He'd sent me the video. I was in Singapore with a couple of friends of mine. Aur raat ko mere khayal se 3 baje ki baat hai. To unhone mereko video bheja. And I saw the song aur main sirf enjoy kar raha tha gana. But mere saath jo 2-3 dost baithe the, wo ro pade yaar. And I called up Vipin bhaiya and I said, Vipin bhai, 2-3 log hain. They were crying. So I think it's a super hit song and it's phenomenal that in 2 days only the song has already crossed 1.5 million. So heartiest congratulations, Vipin bhai, and I want to see more songs of you coming up in the future. Definitely, बहुत ही खूबसूरत गाना है मैंने सुना और बहुत ही प्यारा वीडियो भी हुआ है जो बहुत प्यारा शूट किया गया है। सबसे अच्छी बात है कि उसकी कॉम्पोजिशन मुझे बहुत अच्छी लगी जो विभास ने बनाई और डॉक्टर देवेंद्र काफिर ने लिखा है गीत को, और बहुत ही अच्छा गाना है, मीठा गाना है, और मीठा गाना होने के साथ साथ उसका पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा हुआ है, विच इज़ मोर यू नो बहुत अट्रैक्ट करता है। सो दैट्स अबाउट इट। पंजाबी सॉन्ग्स
मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी तो मुझे पसंद होगा ही. ऑब्वियसली मैंने शेयर भी किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है एंड मैं खुश हूँ इस बार कि इंस्टेड यूजुअली होता है कि हम सिंगल्स बनाते हैं, मेरे काफ़ी सिंगल्स में एक्टर्स भी रह चुके हैं, वो नॉन फिल्म है नो डाउट, बट नॉन फिल्म इंडिपेंडेंट म्यूजिक वो होता है जो आप अपने लिए करते हो और अपने फेस के लिए करते हो. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एन आर्टिस्ट कीप्स डूइंग दैट. अरमान भी कर रहा है, अरिजीत सिंह भी करने की कोशिश में है अभी. यू नो फिल्म से लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम नॉन फिल्म को देना चाहते हैं क्योंकि सिचुएशंस में कई हम बन जाते हैं. यू नो फ्री माइंड से एक नॉन फिल्म सिंगल जब बनता है, जैसे मैं रहूँ या ना रहूँ, इट रीचेज आउट. तो आई थिंक द वीडियो इज़ ब्यूटिफुल, ही इज सॉन्ग रियली वेल, आई लव हिज वोकल टोन एंड आई हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद हिम क्योंकि मेरे सब स्ट्रगलिंग डेज में, मेरे सब स्क्रैचेस जब मैं बनाता था, दैट टाइम विपिन अनेजा सर यूज्ड टू कम होम एंड यूज्ड टू हियर ऑल माई सॉन्ग्स एंड यूज्ड टू टेल मी कि ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है. और इसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ. आई लव हिम एज अ पर्सन, यू नो आई एम समवन हु कनेक्ट्स ऑन दैट लेवल. मैं जस्ट बिकॉज इज अ ग्रेट सिंगर आई एम नॉट हियर, आई एम हियर बिकॉज इज अ रियली नाइस.